नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक तरफ जहां कोर्ट से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है और उनकी न्यायिक हिरासत को 20 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वहीं एक दूसरे मामले में संजय सिंह को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है जिसके जरिए वो जेल से बाहर आकर चुनाव जीतेंगे। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव होने हैं 19 जनवरी को, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो नॉमिनेशन संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता के द्वारा भरा गया है, उनके खिलाफ किसी और ने कोई और नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है और ऐसे में अब ये तीनों ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो राज्यसभा के चुनाव निर्विरोध जीतेंगे और परिणाम 12 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। और इसी मामले में आपको बता दें कि संजय सिंह की ओर से कोर्ट में आवेदन किया गया था कि उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाए ताकि वो आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके। थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं आपको ये पूरा मामला। दरअसल शराब घोटाले मामले में जेल में बंद संजय सिंह को कोर्ट से 12 जनवरी को जेल से बाहर आने की इजाजत मिली है। 12 जनवरी को राज्यसभा चुनाव के नतीजों के लिए संजय सिंह को जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई है। संजय सिंह ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें 12 जनवरी को राज्यसभा के नतीजों के लिए जेल से बाहर आने की परमिशन दी जाए। संजय सिंह की ओर से बताया गया था कि राज्यसभा में चयन के नतीजे 12 तारीख को घोषित होंगे और उन्हें सदस्य चुने जाने का सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त करना है। कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर मंजूरी देते हुए कहा कि संजय सिंह को 12 जनवरी को दोपहर 3 बजे न्यायिक हिरासत से रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय ले जाया जाएगा। इससे पहले संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने के लिए कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत दी थी। राज्यसभा चुनाव 19 जनवरी को होने थे, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल के खिलाफ किसी और ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया तो ऐसे में ये तीनों निर्विरोध चुने जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए इस बार तीन जिन नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किए थे उसमें ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने अपना दोबारा से नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके अलावा एनडी गुप्ता जो पहले से ही आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने भी दोबारा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और तीसरा नाम जो था वो एक नया नाम था, नई एंट्री है आम आदमी पार्टी की ओर से, वो है स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले जब उनके नाम का ऐलान किया गया था तब उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद से, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब क्योंकि इन तीनों के खिलाफ किसी और ने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, ऐसे में ये तीनों आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जाएंगे। जो नतीजे हैं वो 12 जनवरी को घोषित किए जाएंगे और नतीजे जब घोषित होंगे तो संजय सिंह को अपना सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर से कलेक्ट करना है और इसीलिए उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी क्योंकि उनका सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर से कलेक्ट करने के लिए उनका खुद का उपस्थित होना जरूरी है। तो इसीलिए कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दे दी है और वो 12 जनवरी को दोपहर 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय जाएंगे अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।